मोदी जी, अगर आप फिलिस्तीन का साथ देंगे, भारतीय जनता पार्टी फिलिस्तीन के समर्थन में रहेगी, आपको सबसे बड़ा फायदा 2024 के चुनाव में अपने देश भारत महान में होगा, क्योंकि भारत के अंदर मुसलमानों की बड़ी आबादी फिलिस्तीन के साथ है। उसकी वजह यह है कि फिलिस्तीन गरीब है, मजलूम है, यतीम है, बेसारा है, और उसको इज़राइल के द्वारा परेशान किया जा रहा है। 3000 से ज्यादा बच्चों का कत्ल बमबारी के साथ हो चुका है, गरीबों के मकान ढाए जा रहे हैं, महिला बुजुर्गों के साथ बदतमीजी करके उनका कत्ल किया जा रहा है। सोशल मीडिया ऐसी तस्वीर दर्शाती हैं, पेश करती हैं। और मोदी जी, आपकी पार्टी के नेता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने हमेशा फिलिस्तीन का साथ दिया है, इजराइल की मुखालफत की है, इजराइल की आलोचना की है, और इजराइल देश के हमेशा आलोचक रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही रही, क्योंकि इजराइल एक ऐसा मुल्क है जो नफरत फैलाना चाहता है, युद्ध करना चाहता है, विवाद करना चाहता है, और फिलिस्तीन की ऐसी मेंटली, ऐसी जहनियत, ऐसा नजरिया, सोच कभी नहीं रहा। देश के बापू महात्मा गांधी के दौर और जमाने से और उनके बाद जितने भी कांग्रेस के पॉलिटिकल सीनियर लीडर रहे हैं, उन्होंने हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन किया है। उसकी वजह यही रही, वो आजादी चाहते हैं, कब्जा मुक्त रहना चाहते हैं, और इजराइल होने नहीं दे रहा है। इजराइल एक खतरनाक देश है जिसकी सोच एक कट्टर है, जो एक विशेष धर्म से नफरत रखता है, विवाद करना चाहता है। झगड़ा तो छोटी चीज है, वो बड़ा युद्ध करना चाहता है। ऐसा मुसलमान कभी नहीं होने देंगे। मुसलमानों का फिलिस्तीन से गहरा रिश्ता है, दिली कनेक्शन है, ब्रेन का कनेक्शन है, वहां मस्जिद है और इस्लाम के चाहने वाले हैं। दूसरी बात, आपको तो पता ही है कि इजराइल के लोग कैसे हैं, उनका रवैया कैसा है, उनके अंदर कितनी एक्टिंग है। तो आपको कम से कम अपने मतदाताओं का, अपने देश की सम्मानित जनता का सहयोग करना चाहिए, और उनके ब्रेन को समझते हुए आपको इजराइल का नहीं बल्कि फिलिस्तीन का साथ देना चाहिए, फिलिस्तीन का सहयोग करना चाहिए। और मोदी जी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। ऐसा लगता है कि आपने जल्दबाजी का फैसला लिया है, आपने जल्दबाजी में ट्वीट किया है इजराइल के समर्थन में। दिल से आप, मन से आप, ब्रेन से आप, दिमाग से आप फिलिस्तीन के साथ हैं। आपने शायद जल्दबाजी में इजराइल का समर्थन कर दिया है। आप प्लीज उस कमेंट को हटाइए और आप फिलिस्तीन का साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।